हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। देखिए, ये वर्ड बना है दो चीजों से, ऑटो और मोबाइल। देखिए, ऑटो का मतलब होता है कि अपने आप, मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला। देखिए, हमने जैसे मोबाइल बोल देते हैं, हम कहते थे मेरे पास मोबाइल है, एक्चुअली वो है क्या, मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल चलने फिरने वाला, ठीक है, जहां मर्जी लेके जा सकते हो। पुराने टाइम में जैसे वायर वाले फोन होते थे, तो हमें पता है कि वो लैंडलाइन है, हमारे घर पे पड़ रहेगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते कहीं और ले जाके। लेकिन मोबाइल क्या था, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल फोन होता है, ना कि मोबाइल होता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल में क्या है कि अपने आप चलने वाला। देखिए, सबसे पहले हमें यही होता था ना कि साइकिल है, हमें चलाना पड़ता था, मतलब हमने अपनी ह्यूमन फोर्स लगानी पड़ती थी। या कोई और व्हीकल होते थे, वहां पे हमें क्या करता था कि जानवरों से चलवाते थे, उनकी पावर जो है, मसल पावर, वो यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इंजन बन गए, तो इंजन अपने आप रन कर रहा है, ठीक है, उसमें फ्यूल बर्न हो रहा है और अपने आप चल रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होती है, एक होता है हमारे पास पैसेंजर व्हीकल और दूसरा होता है हमारे पास गुड्स व्हीकल। देखिए, पैसेंजर व्हीकल जो हमें सिर्फ पैसेंजर्स के लिए यूज करना है, गुड्स व्हीकल में हमें ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज करना होता है उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो उसमें दो तरह के होते हैं, तो लाइट व्हीकल होते हैं, हैवी व्हीकल होते हैं। तो लाइट व्हीकल में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार्स, स्टेशन वैगन, जीप, ये सारी क्लासिफिकेशन जो है वो लाइट व्हीकल्स की होती है। ये लाइट व्हीकल हमारे पैसेंजर के लिए यूज होते हैं, तो इस तरह से हम लाइट व्हीकल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पैसेंजर में पहले लाइट वाला देखा, अब हैवी वाला। तो हैवी वाले में क्या आ गया, बसेस और कोचेस। देखिए, जो बसेस हैं वो पैसेंजर के लिए यूज हो रहे हैं, कोचेस भी पैसेंजर के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन कोचेस में क्या है, थोड़े सी एडवांस, हमें थोड़ी कंफर्ट जोन ज्यादा मिलता है, तो वहां पे हम उसको कहते हैं कोचेस। तो बसेस हमारे पास कौन से होते हैं, सिंगल डेक वाली होती हैं, डबल डेक वाली भी हो सकती हैं, और हमारे पास कोचेस, हमारे पास डीलक्स कोचेस भी हैं और एयर कंडीशन कोचेस भी हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। दूसरी तरफ हमारे पास आता है गुड्स व्हीकल। तो गुड्स व्हीकल में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एक है लाइट व्हीकल और एक है हैवी व्हीकल। जो लाइट व्हीकल हमारे पास है वो आ जाता है जैसे डिलीवरी वैन होगी, ठीक है, गुड्स लेके जाने के लिए इधर उधर, वो डिलीवरी वैन होगी। लाइट ट्रक, छोटे ट्रक जो होते हैं जिसे हम छोटा हाथी भी कहते हैं, वो हमारे पास जो होता है वो लाइट ट्रक आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पोस आ जाते हैं, तो ये हमारे पास लाइट में आ जाते हैं। और हैवी में हमारे पास ट्रक्स हैं और ट्रेलर्स हैं। ट्रक है उससे ज्यादा बड़े जो होते हैं, जिसको बहुत ज्यादा, जैसे हमने बहुत बार देखा होता है कि गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि ये लॉन्ग व्हीकल है, तो वहां पे ट्रेलर होते हैं। तो जो ट्रेलर्स होते हैं वो ट्रक से भी लंबे होते हैं, उसमें ज्यादा सामान लोड किया जा सकता है। और जैसे कि आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास कार्स है, अब कार्स को जब ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ट्रक की बजाय ट्रेलर्स यूज करते हैं। तो ट्रेलर्स एडवांस वर्जन है ट्रक्स का। तो इस तरह से आप ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।